दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में हम ब्रह्म कमल को कैसे उगाएं और उसकी केयर के बारे में जानेंगे। ब्रह्म कमल को क्वीन ऑफ नाइट या नाइट ब्लूमिंग क्वीन या लेडी ऑफ नाइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोटस जैसे दिखने वाले ये फूल लेट नाइट में भी ब्लूम करते हैं। इसे भगवान के चरणों में भी अर्पण करते हैं, इसलिए देव पुष्प भी कहा जाता है। इसका फूल साल में एक बार ही खिलता है। इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, आमतौर पर हिमालय में पाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में ये ज्यादातर पौधे अच्छे से चलते हैं। उत्तराखंड का ये स्टेट फ्लावर भी है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस फूल को खिला हुआ देख लेते हैं तो आप काफी भाग्यशाली हैं। इसके फूल मिड जून से मिड अक्टूबर के बीच में खिलते हैं। ये एक मेडिसिनल हर्ब भी है। इस फूल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे बुखार ठीक हो जाता है। इस फूल की पत्तियां हड्डियों के दर्द से राहत में मददगार होती है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। अगर खरोचे या कहीं छिल जाए तो उस जगह पर फूल का रस लगाने से आराम मिलता है। इसे ऑर्किड कैक्टस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऑर्किड जैसी ब्यूटी और हैबिटेट इसका कैक्टस जैसा होता है। इंटरेस्टिंगली इसमें दो स्पीशीज आती है, एक सेशोरा ओबवेलेटा और एपिफाइलम ऑक्सीपेटलम, और लोग दोनों को ही ब्रह्म कमल मानते हैं। ये एपिफाइलम ऑक्सीपेटलम है और ये प्लेन एरियाज में ग्रोथ करते हैं। पत्तियां इसकी छोटी होती हैं। ऑर्किड कैक्टस का फूल सनसेट के बाद यानी कि 7 से 8 बजे के बाद से खिलना शुरू करता है। इसे खिलने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। खिलने के बाद ये पूरी रात ओपन रहता है और सुबह से पहले ही बंद हो जाता है, और सुबह ये लंबी स्टॉक पर लटकता हुआ नजर आता है। कुछ लोग सेशोरा और वेलेटा, जो कि कंपोजिटे फैमिली से संबंधित है, जो कि हिमालयन पहाड़ियों में उगता है, उसे ब्रह्म कमल मानते हैं, और कुछ लोग एपिफाइलम ऑक्सीपेटलम यानी कि ऑर्किड कैक्टस जो कि रात में खिलता है उसे ब्रह्म कमल मानते हैं। चाहे जो भी हो, दोनों को ही लोग ब्रह्म कमल ही कहते हैं। ये कैक्टस और सेक्युलेंट फैमिली से संबंधित है। चूंकि इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह तक बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे नाइट ब्लूमिंग क्वीन भी कहते हैं, और फूल साल में एक बार ही खिलते हैं। फूलों का रंग सफेद होता है। अभी तो इसके कई रंग आते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, ऑरेंज, येलो, लाइट पिंक और भी कई रंग, और अलग अलग रंगों में भी ये बेहद आकर्षक और खूबसूरत दिखते हैं। आपने कौन कौन से रंग देखे हैं फूलों के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पत्तियां इसकी फ्लैट और मोटी होती हैं और स्टेम पत्तियों से ही ऑलमोस्ट कवर अप होती है। स्टेम इसकी दूसरे पौधे के जैसे हार्ड नहीं होती है, इसलिए इसकी स्टेम को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसे हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो किया जा सकता है। फूल इसके इनकी पत्तियों से निकलते हैं और फूलों से इसके बेहद ही अच्छी खुशबू आती है। आप अगर इसके आसपास से गुजरे तो इसकी खुशबू से मोहित हो उठते हैं। साथ में अपने पॉलिनेटर्स को रात में आकर्षित करने के लिए ये भी ये खुशबू बिखेरते हैं। आइए इसकी केयर के बारे में जान लेते हैं। मिट्टी इसकी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल भी पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली का है तो पानी कैक्टस को कम ही चाहिए होता है। इसे पानी 2 से 3 दिन बाद ही देना है, मिट्टी को चेक करके। इसे एसिडिक मिट्टी पसंद है, ऊपरी मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही पानी देना है। पानी इसे साइड से देना चाहिए, ऊपर से नहीं देना चाहिए, पत्तियों पर पानी नहीं गिरना चाहिए। कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो पौधा मर भी सकता है। ज्यादा पानी मतलब इसके लिए डेथ सेंटेंस है। सॉइल मिक्स में सॉइल ऐसी ही लेनी है जिसमें रेत का प्रमाण ज्यादा हो, जिससे पानी बिल्कुल मिट्टी में ना रुके। सॉइल मिक्स में हमें गार्डन सॉइल 50%, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट 20%, सैंड 20% और परलाइट 10% लेना है, और इसमें 2 चम्मच फंगिसाइड मिला लें। बात करें इसके लाइट की, तो ब्रह्म कमल को ब्राइट लाइट पसंद है। इसे इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। इसे मॉर्निंग की धूप 1-2 घंटे की धूप दे सकते हैं। दोपहर की धूप में इसे न रखें, तब इसे शेड में ही रखना चाहिए, या इसे किसी भी
पेड़ की छांव में जहां छन के धूप आती हो ऐसी जगह में रखें। अगर डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करे तो पौधा धूप से जल सकता है, लेकिन एकदम ही पूरी तरह से शेडी एरिया में भी रखे तो पौधा घना तो हो जाएगा पर फूल नहीं खिलेंगे और लंबी लंबी स्टेम्स ठीक से खुद को होल्ड नहीं कर पाएगी। फर्टिलाइजर इसे आम तौर पर कम ही चाहिए। ये अपनी जरूरत यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही पूरी करता है। फिर भी सॉइल मिक्स बनाते वक्त इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या कंपोस्ट डाल सकते हैं और फ्लावरिंग के पहले नाइट्रोजन युक्त खाद कम करके फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। फ्लावरिंग इसमें साल में एक बार ही होती है तो ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लावरिंग सीजन के ख़त्म होने पर नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं। जानेंगे इस पर आने वाले पेस्ट और डिजीज के बारे में। तो इसमें मिट्टी हमें हल्की मॉइस्टी रखनी है, पानी में पौधा खड़ा रहा तो रूट्स में फंगस लग सकती है और स्टेम और रूट रॉट हो जाती है। इसे स्नेल्स का भी खतरा हो सकता है, मिली बग्स का हमला भी हो सकता है। जनरली लीव्स के नीचे के साइड से चेक करते रहना चाहिए। स्पाइडर माइट्स का भी हमला हो सकता है। स्पाइडर माइट हमारी आंखों को भले ही न दिखे लेकिन पौधे में इसका असर दिखता है। नई पत्तियों पर छोटे ब्राउन डॉट्स दिखाई पड़ते हैं तो समझिए इसका हमला है। साथ में एफिड्स का भी हमला होता है। इन सब के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी प्रोपगेशन कैसे करें, तो एपिफाइलम को लीव्स और स्टेम द्वारा प्रोपगेट किया जा सकता है। इसकी बस एक लीफ कहीं से भी मिल जाए तो इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी लीफ को लगाने से पहले किसी ह्यूमिडिटी और धूप न आती हो ऐसी जगह पर, जैसे कि बाथरूम या बंद डिब्बा, इसमें एक हफ्ते के लिए रख दीजिए। इससे होगा क्या, तो लीफ का नीचे का पार्ट सूख जाने की वजह से सील हो जाएगा और नीचे से जल्दी से रूट निकलेंगी। सील हो जाने की वजह से रूट निकलने का पार्ट खराब नहीं होता है और फंगस भी नहीं लगता। बस फिर मिट्टी में होल करके इसकी लीफ उसमें लगा दीजिए और पानी दे दीजिए। उसके बाद पानी नहीं देना है जब तक मिट्टी ऊपर से ड्राई ना हो जाए। पौधे को 15 दिनों के लिए छांव में ही रखिए। उसके बाद 1 से 2 महीने में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और जड़ें इसकी निकल आएगी। इसकी लीफ कटिंग को हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। जब रूट निकल आए तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। स्प्राउटिंग इसकी 4 से 6 हफ्तों में होती है अगर फेवरेबल कंडीशंस हो तो। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये एक लीफ मैंने एक आंटी पास में रहती है उनके यहाँ से लाई थी। लाकर मैंने बस इसे मिट्टी में लगा दिया था। मुझे इसके चलने की उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि मुझे लगा इसे क्लाइमेट सूट होगा या नहीं। फेब्रवरी में इसे लगाया था, कितने महीने ये वैसे ही लगा था, ना कोई ग्रोथ का साइन ना कुछ। मतलब लिटरली बस लगा हुआ था और मैं बीच में एक दो बार मिट्टी सूखी हुई दिखती तो पानी डाल देती। उम्मीद तो मैंने छोड़ ही दी थी, लेकिन जैसे ही जुलाई का महीना आया एक छोटी सी लीफ इसके एक मार्जिन से निकली। जुलाई महीने में शायद इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस तैयार हो गए होंगे, तभी इसने ग्रोथ दिखाई। जुलाई में वैसे तो इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन अभी ये छोटा है तो फ्लावरिंग के लिए इसको काफी टाइम है। इसकी और थोड़ी ग्रोथ के बाद इसे 7 से 8 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट करना है। उसके बाद ये पूरे गमले में फैलता है, तभी ये फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा। इस प्रोसेस में 1 से 5 साल का समय भी लग सकता है। बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है ये पौधा। बारिशों में खास इसे प्रोटेक्ट करना है। ज्यादा बारिशों में इसकी रूट सड़ सकती है। गमले में अगर है तो गमले को उठाकर ऐसी जगह रखें जहां बारिश इस पर न गिरे और ब्राइट लाइट भी आती रहे। एक्सट्रीम ठंडी और एक्सट्रीम गर्मी भी इसे पसंद नहीं। ऐसे में इसे और पौधे के बीच में रखना चाहिए ताकि ये गर्मी और सर्दी से बचा रहे। इस पौधे को हर 2 या 3 साल में रिपोर्ट करते रहें। गमले का साइज पहले के गमले से 2 इंच ज्यादा रखिए। जिसे 8 इंच का हो तो 10 इंच का ले सकते हैं। वैसे इसे स्प्रिंग या विंटर सीजन में रिपोर्ट कर सकते हैं। विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ रुक सी जाती है तो इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये पौधा आपके यहाँ लगा हुआ है और इसमें एक भी फ्लावर अभी तक नहीं आ रहे हैं तो मिट्टी में नीम खली और बोन मील
और जाइम और ग्रेन्यूल्स महीने में एक बार डालिए तो फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये थी जानकारी इसके केयर के बारे में। ब्रह्म कमल के पौधे अच्छे से ग्रो करने का सीक्रेट यानी कि बैलेंस वाटर और उसकी जरूरत भर लाइट और इंसेक्ट मैनेजमेंट। बाकी ये फूल जरूर देगा जब भी ये हेल्दी और अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ऐसे लोड्स ऑफ गुड लक और खुशहाली लाने वाले इस पौधे को अपने बगीचे में जरूर उगाइए। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। साथ में अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो आप मुझे खबरी पर भी सुन सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।